हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, और इसमें हमारा आज का टॉपिक है अधिशोषण और अवशोषण का आरेख। तो एक पात्र में सिलिका जेल को हमने किसी थैले में भरकर यहाँ पात्र में लटका दिया, और दूसरे पात्र में यहां निर्जल CaCl2 को किसी थैली में भर करके लटका दिया। तो मैं यूं बोलूंगा कि यहां अपने इस थैली में जो भरा हुआ पदार्थ है वो है निर्जल CaCl2, और इसमें यहां जो थैली में भरा हुआ पदार्थ है वो है सिलिका जेल। कौन सा पदार्थ? सिलिका जेल है इसमें भरा हुआ। तो अब क्या होता है, दोनों पात्र में, यहां मैं यूं बोलूंगा, यहां हम दर्शा देते हैं जल वाष्प, जल की वाष्प भरी हुई है दोनों पात्रों में। यहां हम यूं दर्शा देते हैं कि जल की वाष्प भरी हुई है। तो अब क्या होता है, ध्यान देना, अधिशोषण की प्रक्रिया में तो आप एक बात पढ़कर आए हो कि अधिशोषण वह होता है जब एक पदार्थ, यानी एक पदार्थ का अर्थ है ये भरी हुई वाष्प, जब दूसरे पदार्थ का अर्थ है सिलिका जेल, कि एक पदार्थ यानी जल वाष्प, दूसरे पदार्थ यानी सिलिका जेल की केवल ऊपरी परत पर संचित होती है, ऊपरी परत पर अधिशोषित होती है, तो उसे अधिशोषण कहा जाता है। मैं यूं बोलूंगा, अधिशोषण की प्रक्रिया में जल वाष्प सिलिका जेल के केवल ऊपरी भाग पर संचित हो जाती है, इसके अंदर तक सिलिका जेल जो पदार्थ है उस पदार्थ की आंतरिक भाग तक नहीं पहुंच पाती है, केवल ऊपरी भाग पर संचित हो जाती है। तो ये पात्र में भरी हुई जल वाष्प इसके ऊपरी भाग पर संचित हो गई, यह घटना अधिशोषण कहलाती है। तो ये अधिशोषण को प्रदर्शित करने वाला आरेख है, और हमारे एग्जाम में दोनों आरेख पूछे गए हैं कि अधिशोषण और अवशोषण को प्रदर्शित करने वाले आरेख बनाइए, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो ये वाला अवशोषण का है। अवशोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि निर्जल CaCl2 को आप एक थैली में भर लीजिए और वाष्प से भरे हुए पात्र में लटका दीजिए। तो ये यहां वाष्प है, और वाष्प किसकी? जल की बनी हुई। तो मैं बोलूंगा जल वाष्प। यहां भी ये जो वाष्प है वो कौन सी वाष्प है? जल की बनी हुई। तो जल वाष्प, तो दोनों पात्रों में जल वाष्प भरिए। यहां क्या होता है, जल वाष्प पात्र में भर रखी है और हमने एक थैली में भरकर निर्जल CaCl2 को यहां लटका रखा है। तो निर्जल CaCl2 क्या करता है, जल वाष्प को और अपने संपूर्ण भाग में खींच लेता है, वितरित कर लेता है। तो मैं यूं बोलूंगा, बाहर भरी हुई जल वाष्प निर्जल CaCl2 की संपूर्ण भाग में वितरित हो जाती है, यानी यहां मैं यूं बोलूंगा कि जल वाष्प की सांद्रता निर्जल CaCl2 के संपूर्ण भाग में वितरित हो जाती है, और यहां जल वाष्प की सांद्रता सिलिका जेल के केवल ऊपरी भाग पर ही संचित हो पाती है। तो अधिशोषण में तो केवल ऊपरी भाग पर ही संचित हो पाएगी, और अवशोषण की प्रक्रिया में जो जल वाष्प की मात्रा है वो निर्जल CaCl2 के संपूर्ण भाग में वितरित हो जाएगी। तो ये अधिशोषण और अवशोषण को प्रदर्शित करने वाला आरेख है, अर्थात चित्र है, डायग्राम है। हमारा अगला टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो दो टाइप होते हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण, जिसे आप फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हो, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, जिसे आप केमिकल एडसॉर्प्शन बोलते हो। तो एक हो गया भौतिक अधिशोषण और दूसरा हो गया रासायनिक अधिशोषण। इन दोनों को हम और बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भौतिक अधिशोषण, फिजिकल आपके एडसॉर्प्शन की, यहां अधिशोषण कर देता हूं, भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, मैं यूं समझाऊं आप लोगों को, कि जब कोई ठोस पदार्थ है
उसकी सतह पर कोई गैस मान लीजिए, गैस आकर दुर्बल वांडरवाल बंध बनाती है तो वह अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर कोई गैस जुड़कर दुर्बल वांडरवाल बंध का निर्माण करती है तो ऐसा अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। और नाम से पता चल रहा है इधर रासायनिक केमिकल एडसॉर्प्शन। इसमें क्या होगा कि जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर और कोई गैस आकर जुड़ती है और उसके साथ जुड़कर रासायनिक बंध का निर्माण करती है, रासायनिक बंध का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। तो याद रखना भौतिक अधिशोषण में तो वांडरवाल, ठीक है ना, वांडरवाल बंध बनते हैं, भौतिक अधिशोषण में तो वांडरवाल बंध बनते हैं, रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं। अब रासायनिक बंध तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप आयनिक बंध कह सकते हो, सहसंयोजक बंध कह सकते हो, उप सहसंयोजक बंध कह सकते हो, तो ये सारे के सारे रासायनिक बंध होते हैं। तो यहां तो रासायनिक बंध बनते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है, जिनमें दुर्बल वांडरवाल बंध बनते हैं उन्हें भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले इनमें एक नंबर पर हम बात करते हैं विशिष्टता की कमी, यानी भौतिक अधिशोषण है उसमें विशिष्टता नहीं होती है। विशिष्टता की कमी अर्थात ये सामान्य प्रकृति का होता है। अब मैं आपको बताऊं भौतिक अधिशोषण सामान्य प्रकृति का क्यों होता है, यानी इसमें विशिष्टता नहीं होती है, सामान्य प्रकृति होती है। तो सामान्य प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि इसमें दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। और याद रखना अधिशोषण एक हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अधिशोषण कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में आप जानते हो ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाने के कारण याद रखना वो बंध कम ऊर्जा से ही टूट जाते हैं, या फिर मैं दूसरे शब्दों में यूं बोलूं कि इसमें दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं जो कि टूटते समय थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर ये बंध वास्तव में रासायनिक प्रकृति का होता तो टूटते समय बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती, लेकिन इसमें तो दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। दुर्बल वांडरवाल बंध तो याद रखना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं लेकिन सामान्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो दुर्बल वांडरवाल बंध टूटते समय थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसी वजह से इसमें विशिष्टता की कमी होती है। और ये दुर्बल वांडरवाल जब इसमें बंध टूटते हैं तो याद रखना जो ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत कम बाहर निकलती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण में विशिष्टता की कमी होती है। फिर हम बात करें दो नंबर पर अधिशोषण एंथैल्पी, यानी एडजॉर्प्शन जो एंथैल्पी है ऊर्जा है उसकी बात करते हैं। तो एंथैल्पी आप जानते हो, मैं उम्मीद करता हूं 11th के हिसाब से ऊर्जा को बोलते हैं, ऊर्जा है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो याद रखना भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं इसी कारण, और वो बंध आसानी से टूट जाते हैं, और आसानी से टूट जाते हैं तो थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और यहां जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है भौतिक अधिशोषण में बंध टूटते समय, 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये भौतिक अधिशोषण में मुक्त होती है इसलिए इसे अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं। और दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं इसलिए वो बंध आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूटते समय
इतनी मात्रा में ये थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त करता है। फिर हम बात करें उत्क्रमणीय प्रकृति। उत्क्रमणीय प्रकृति तो आप याद रखना रिवर्सिबल नेचर किसे बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति या परवर्ती एक ही बात है। तो रिवर्सिबल नेचर मैं क्यों बोलूं, भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है, यानी सारी बात दुर्बल वांडरवाल बंध के ऊपर चलेगी। भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है, इसलिए याद रखना जब अधिशोषण हो जाता है तो उस अधिशोषित पदार्थ को पुनः हटाया भी जा सकता है। और आप जानते हो जब पदार्थ अधिशोषित हो जाएगा तो उत्पाद बनेगा, बने उत्पाद में से हम अधिशोषित पदार्थ को बाहर वापस निकाल लेंगे तो वह प्रकृति उत्क्रमणीय हो जाएगी। उत्क्रमणीय होने का अर्थ है दोनों दिशाओं में चलना, यानी क्रियाकारक से उत्पाद भी बनाना और उत्पाद का वापस क्रियाकारक बनाना। तो जब एक कोई ठोस पदार्थ है उसकी सतह पर और गैस आकर अधिशोषित हो गई और एक विशिष्ट पदार्थ बन गया, उसके बाद में उस विशिष्ट पदार्थ को हम और विशेष परिस्थितियों में ताप और दाब लगाकर और उसको गर्म करें तो फिर उस विशिष्ट पदार्थ पर जो गैस अधिशोषित हुई थी वो गैस वापस मुक्त हो जाएगी, तो फिर उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाएगा। तो इसे उत्क्रमणीय प्रकृति कहा जाता है। तो याद रखना भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, इसलिए अधिशोषित गैस की मात्रा को या अधिशोषित पदार्थ की मात्रा को एक पदार्थ में से पुनः हटाया भी जा सकता है, इसलिए यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो दाब और ताप का प्रभाव। दाब और ताप का प्रभाव, तो दाब और ताप के प्रभाव से याद रखना भौतिक अधिशोषण प्रभावित तो होता है। यदि भौतिक अधिशोषण में हम दाब बढ़ा दें, अगर दाब को हम बढ़ा देते हैं, दाब को प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो याद रखना भौतिक अधिशोषण बढ़ जाएगा। यदि हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो भौतिक अधिशोषण बढ़ जाएगा, और यदि हम प्रेशर को कम कर देते हैं तो भौतिक अधिशोषण कम हो जाएगा। इसी प्रकार याद रखना ताप की बात करूं टेम्परेचर की, तो याद रखना टेम्परेचर को आप घटाते हैं तो भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है। टेम्परेचर को अगर आप घटाओगे तो भौतिक अधिशोषण बढ़ जाएगा। हमें तो केवल और केवल भौतिक अधिशोषण को बढ़ाने वाली बात करनी है। तो आप प्रेशर याद रखना, प्रेशर आप बढ़ाते हो तो भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर अगर आप कम करते हो तो भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। तो ये बात आप सामान्य सी बात ध्यान में रखना। लास्ट में बात करूं, फिर बात आती है आणविक परत की। यहां लिख देता हूं, बता देता हूं आणविक परत क्या होती है, यानी मॉलिक्यूल लेयर होती है। तो वो मॉलिक्यूल लेयर का अर्थ ये हो गया कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक कई परतें बनती है। तो मैं यूं बोलूं भौतिक अधिशोषण में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर अधिशोषित होता है तो आने वाला पदार्थ और उस पदार्थ की सतह पर जब जमा होगा तो वहां कई परतें बनाएगा, छोटी छोटी एक के बाद एक कई परतें बनाएगा, तो उसे हम बोलते हैं आणविक परत। तो याद रखना भौतिक अधिशोषण है वो बहु आणविक परत वाला होता है। भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, इसलिए भौतिक अधिशोषण में एक के बाद एक कई प्रकार की परतें बनती हैं, अर्थात भौतिक अधिशोषण बहु आणविक परत वाला होता है। तो ये भौतिक अधिशोषण के और सामान्य जो लक्षण है वो आप ध्यान में रखना। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अधिशोषण के लक्षण, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसके जो रासायनिक गुण है वो इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहला बिंदु हम बात करते हैं उच्च विशिष्टता। जैसे आपने भौतिक में पढ़ा तो वहां विशिष्टता की कमी थी, यहां पर ये उच्च विशिष्ट होता है। तो उच्च विशिष्टता यानी रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है, मैं यूं बोलूं दूसरे शब्दों में, तो उच्च विशिष्टता। तो याद रखना रासायनिक अधिशोषण बता चुका हूं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की
जब सतह पर आएगा तो रासायनिक बंध बना लेगा, रासायनिक बंध बना लेगा। याद रखना आता तो केवल सतह के ऊपर ही है, क्योंकि हम अधिशोषण पढ़ रहे हैं। अधिशोषण में तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की केवल सतह के ऊपर ही आता है, लेकिन सतह के ऊपर आकर भी अगर वहां रासायनिक बंध बनाता है तब तो रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा, और अगर वहां आकर भौतिक और बंध, जैसे मैं यूं बोलूं दुर्बल वांडरवाल बंध बनाता है, तो फिर भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। तो जब आपके विशिष्ट बॉन्ड बनाए, विशिष्ट बॉन्ड तो रासायनिक बंध होते हैं, और रासायनिक बंध का जब निर्माण करता है तो ऐसा याद रखना फिर जो परक्रम है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण में उच्च विशिष्टता पाई जाती है, यानी रासायनिक बंध बनने के कारण। तो आप सामान्य शब्दों में यूं बोलोगे कि रासायनिक अधिशोषण में और रासायनिक बंध बनने के कारण यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, अर्थात एक बार बंध बन जाने के बाद और उस बंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, तो विशिष्ट प्रकृति का हो गया, उच्च विशिष्टता हो गई। जैसे मैं यूं बोलूं कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को आप संक्रमण धातुओं के साथ क्रिया करवाते हो, हाइड्रोजन गैस की संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक की धातुएं उनके साथ क्रिया कराते हो, तो हाइड्रोजन गैस उन संक्रमण धातुओं की सतह पर जाकर अधिशोषित हो जाती है, और अधिशोषित होकर याद रखना रासायनिक बंध बनाती है, और रासायनिक बंध बन जाने से उत्पाद के रूप में हाइड्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्राइड बनते हैं। तो हाइड्रोजन गैस संक्रमण धातुओं की सतह पर जाकर जब अधिशोषित होती है तो प्रबल रासायनिक बंधों का निर्माण करती है, और जिससे उत्पाद के रूप में हाइड्राइड बनते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप ऑक्सीजन की क्रिया धातुओं के साथ करवाते हो, कोई धातु ले लीजिए आप जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, वो धातुएं, तो किसी भी धातु के साथ आप अभिक्रिया करवा दीजिए, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन गैस इन धातुओं की सतह पर जाकर जुड़ेगी, जुड़कर के रासायनिक बंध बनाएगी और उत्पाद के रूप में ऑक्साइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उत्पाद के रूप में ऑक्साइडों का निर्माण करेगी। तो ये उच्च विशिष्टता यहां पाई जाती है। फिर दो नंबर पर मैं अगर बात करूं तो अनुत्क्रमणीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अनुत्क्रमणीय प्रकृति। यानी याद रखना कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर अधिशोषित होता है तो विशिष्ट रासायनिक बंध बनाता है, और रासायनिक बंध वांडरवाल बंध की तुलना में मजबूत होता है, तो रासायनिक बंध टूट नहीं पाता। तो एक बार क्रियाकार बन जाने के बाद उत्पाद बन जाने के बाद हम उससे वापस क्रियाकारक नहीं बना पाते, और वापस क्रियाकारक नहीं बना पाएंगे तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। तो मैं समझाने के लिए यूं बोलूं कि जब कोई ठोस पदार्थ है और उसकी सतह पर कोई गैस आकर अधिशोषित होती है, यदि वह गैस उस ठोस के साथ रासायनिक बंध का निर्माण कर ले तब तो वह बहुत मजबूती से बंध जाती है, और मजबूती से बंध जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने रासायनिक बंध बनाया है, और रासायनिक बंध बना लिया तो उस बंध को तोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब वहां उत्पाद बन गया, अब उस उत्पाद को वापस हम क्रियाकारक में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां दोनों के बीच रासायनिक बंध बन गया है। तो ऐसी कंडीशन में और अब उसकी प्रकृति है वो अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। तो अब तीसरे बिंदु की बात करें, तीसरे बिंदु की बात करूं तो आप बोलना पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस जो एरिया आप बोलते हो, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना कि जो कोई गैस किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित होती है और अगर हम उस ठोस पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दें, उस ठोस पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो अधिशोषण की गति बढ़ जाएगी। तो क्रियाकारक पदार्थ हैं वो अगर आपस में टकरा रहे हैं, कहने का अर्थ गैस और ठोस आपस में आकर मिश्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उन दोनों के मध्य और
क्रिया है वो तेज गति से होगी, फल स्वरूप रासायनिक अधिशोषण तीव्र गति से होगा। तो याद रखना, जब ठोस पदार्थ का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसमें गैस तीव्र गति से आकर अधिशोषित होगी, ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होगी, तो यहां रासायनिक अधिशोषण तीव्र गति से होगा। फिर चार नंबर पर मैं अगर बात करूं तो मान लीजिए अधिशोषण की एंथैल्पी, ठीक है ना, अधिशोषण की एंथैल्पी, तो यहां एक बात आप ध्यान देना, वो मेन बात यह है कि रासायनिक अधिशोषण में, और मैंने कहा रासायनिक बंध बनते हैं, तो रासायनिक बंध बन गए तो याद रखना रासायनिक बंध तो वांडरवाल बंध की तुलना में मजबूत होता है, तो रासायनिक बंध को आप तोड़ोगे तो पहली बार तो आसानी से टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा किसी विधि से किसी तरीके से वो टूटेगा तो फिर याद रखना बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यहां रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध पाए जाते हैं, रासायनिक बंध वांडरवाल बंध की तुलना में मजबूत होते हैं, और ऐसे रासायनिक बंधों को जब तोड़ा जाता है तो वो अत्यधिक ऊर्जा अर्थात याद रखना 80 से लेकर के 240 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, 80 से लेकर 240 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक बंध पाया जाता है, रासायनिक बंध मजबूत होता है तो आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन किसी विधि से कोई बाह्य कारक से जब हम इसे तोड़ेंगे तो यह मजबूत बंध टूटते समय बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो ये अधिशोषण एंथैल्पी का मान एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि रासायनिक अधिशोषण में और उत्पन्न जो एंथैल्पी है उसका मान होता है, तो चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही था।